भोजावास में युवक पर फायरिंग के मामले में महेंद्रगढ़ पुलिस की टीमों ने 4 आरोपियों को पकड़ा। पुलिस अधीक्षक अर्ष वर्मा के निर्देशानुसार कनीना डीएसपी के नेतृत्व में गठित की गई थी टीमें। जिगावन और दूलोट अहिर क्षेत्र से 4 आरोपियों को टीम ने किया गिरफ्तार। गिरफ्तार में एक पर 20,000 का इनामी आरोपी भी शामिल। कनीना के भोजावास क्षेत्र में जान से मारने की नीयत से फायर करने की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस अधीक्षक अर्ष वर्मा के दिशा निर्देश पर कनीना डीएसपी दिनेश कुमार के नेतृत्व में सीआईए महेंद्रगढ़, साइबर सेल और थाना सदर कनीना की पुलिस को टीमों का गठन किया गया था। टीमों द्वारा आरोपियों के संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही थी, जिसके तहत पुलिस को इस मामले में 4 आरोपियों को पकड़ने में कामयाबी मिली है। डीएसपी कनीना ने प्रेस वार्ता में बताया कि पुलिस की गठित टीमों ने 3 आरोपित कुलदीप उर्फ केडी वासी जिगावन, विनोद उर्फ टाइगर वासी सोहली और संजय उर्फ मर्द वासी सोहली को जिगावन गांव के खेतों से पकड़ा और एक आरोपित राजवीर उर्फ दोलिया वासी पठाना को दूलोट अहिर की बनी से पकड़ा है। पुलिस ने पता लगाया कि आरोपित विनोद उर्फ टाइगर के खिलाफ हत्या का प्रयास, लूट, लड़ाई झगड़े के 13 मामले दर्ज हैं। आरोपित राजवीर उर्फ दोलिया के खिलाफ मर्डर, लूट, डकैती, एक्सटोर्शन, लड़ाई झगड़े के 21 मामले दर्ज हैं। आरोपित राजवीर पर राजस्थान पुलिस के द्वारा मर्डर के मामले में 20,000 का इनाम रखा हुआ। आरोपितों को आज न्यायालय में पेश कर पुलिस रिमांड पर लिया गया है। पुलिस के द्वारा आरोपितों से पूछताछ की जा रही है। जिस तरह आपको याद है कि दिनांक 22 तारीख को भोजावास गांव में सूचना प्राप्त हुई थी कि एक दुकानदार जो सुनोल नाम का व्यक्ति है, उसपे किसी ने गोली चलाई, जिस संबंध में एफआईआर दर्ज की गई और हमारे एसपी श्री हर्ष वर्मा आईपीएस एसपी मंदेगढ़ के दिशा निर्देशन में 4 टीमें गठित की गई, जिसमें सीजी महेंद्रगढ़, एसएचओ कनीना और साइबर सेल और जिसकी मॉनिटरिंग मेरे द्वारा की गई। उसी में सफलता प्राप्त करते हुए हमारी टीम के द्वारा 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए और उनसे कैदियों से पूछताछ की जा रही है। तो ये खुलासा हुआ कि उनके द्वारा ये वारदात को अंजाम दिया गया था। उसके साथ ही उन्हीं में से एक व्यक्ति जो राजस्थान पुलिस से 20,000 का इनामी है, इस संबंध में हमने उसे गिरफ्तार किया है और उसको पुलिस रिमांड पर लेके अगली कार्रवाई की जाएगी। अभी है वो पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, जैसे होगा आगे जो सूचना मिलेगी या इन्फॉर्मेशन है आपको आगे शेयर करते रहेंगे। सर नहीं, वो भी पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। सर सुनने में आ रहा है कि किसी बड़ी गैंग से इनके तार जुड़े हैं। देखिए वो भी हम खुलासा आपको बाद में करेंगे क्योंकि इन्वेस्टिगेशन जारी है, अभी बहुत जल्दी होगा कुछ कह पाना। अभी गिरफ्तार कहाँ से किया गया? देखिए गिरफ्तारी के बारे में आपको पहले बताया ना कि सारा इन्वेस्टिगेशन है, अगर मैं करूंगा तो इन्वेस्टिगेशन मेरी खराब हो सकती है। जब प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो जाएगी, अभी हमने गिरफ्तार किया, पुलिस रिमांड पे लेके आएंगे। किस किस को गिरफ्तार किया है सर? इस वक्त हमने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें जिगावन गांव के हैं, कुछ राजस्थान के हैं, टोटल 4 व्यक्ति। क्या और भी लोग इसमें शामिल है इन 4 के अलावा? नहीं है, और भी शामिल है, जो भी होंगे आपके समक्ष उनके नाम खुलासा कर देंगे। बरामद की गई गाड़ी जिसमें आए थे, मैंने बताया रिकवरी की जो भी है वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। इसको कह पाना बड़ा मुश्किल है कि आपको क्या क्या रिकवर हुआ है। ये लोग कब गिरफ्तार किए गए, कहां से गिरफ्तार किए गए? ये कल गिरफ्तार किए हैं, आज को पुलिस रिमांड पे ले रहे हैं। कहां से गिरफ्तार किए हैं? ये जिगावन के आसपास से गिरफ्तार किए हैं, ये खेतों से गिरफ्तार किए हैं। आज रिमांड पे लेंगे, पुलिस रिमांड के बाद उनसे जो भी और पूछताछ में मिलेगा उसका खुलासा हम आपको बता देंगे। समय समय सब करते रहो।